जिन्होंने वादा किया था जो पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली में हजारों की संख्या में वो शराब के ठेके खोल रहे हैं। और अगर हम शराब पॉलिसी के बारे में बात करें तो आज की वर्चुअल रैली उसी शंखनाद का वर्चुअल रैली माध्यम है, प्रारंभ हो गई है, जिसके माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को, देश के लोगों को ये बता रहे हैं मंच पर कि शराब पॉलिसी दिल्ली को खराब और बर्बाद करने वाली है। उद्बोधन और वो किस तरह है, मंत्री स्मृति ईरानी, आपको पता होगा दिल्ली में सिर्फ 250 के आसपास शराब के ठेके थे। मेरा ये निवेदन, और इस नई पॉलिसी में इन्होंने 840 से अधिक सभी लोग आए, शराब की नई दुकानें खोली, ठेके खोले, नीति का विरोध, और 3000 से ज्यादा बैंकट हालों को लाइसेंस दिए। इसको लाइव देखेंगे और उसके बाद दिल्ली के अंदर उन इलाकों में जहां आजादी के बाद कभी भी शराब की नई ठेके नहीं खोले गए।